हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th है उसमें 7th जो आपका चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो दीपक का जो गैस पेपर आता है, हेल्प बुक आती है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दीपक के जो है ना, मार्केट में आती है, परचेज कर सकते हैं, आपको इजिली अवेलेबल है वो। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, 7th चैप्टर जो आपका। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्टेज। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक 100 वोल्ट के साथ एक्सेलरेट करवाया गया है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 12.7 डिवाइड बाई अंडर रूट वी। वी क्या है? पोटेंशियल। और ये किस में होता है? एंगस्ट्रोम में। किस में होता है? एंगस्ट्रोम में। तो यहाँ पर किस में दिए गए ऑप्शन? नैनोमीटर में। तो मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1.27 अंडर रूट 100। कितना है? 100। तो यहाँ पर देखिएगा 100 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेमडा बराबर है 1.227, ये एंगस्ट्रोम में आएगा। बट नैनोमीटर में पूछा है तो एक पॉइंट और डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर में। तो इसमें देख लीजिए 0.122 कौन सा है, तो यहाँ पर जो है आपका मैच कर रहा है 0.122, यानी डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका एक्यूरेटली मैच कर रहा है, तो पहले का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो कहता है अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल जो सीरीज है वो लाई करती है, तो वो है लाइमन भाई। ठीक है ना, लाइमन किस में रहेगी? अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि जो इसमें ना एक फॉर्मूला है, जैसे LBP BP, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा। यानी ये लाइमन, ये बाल्मर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट पीफन। तो लाइमन जो होती है वो यूवी में, ये अकेली विजिबल में, बाकी जो तीनों है वो किस में? इंफ्रारेड में। किस में? इंफ्रारेड में। ठीक है ना, तो शुरू वाली यूवी में, फिर विजिबल में, फिर इंफ्रारेड में। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट। सेम है, ठीक है ना, सेम है इसमें। तो जैसे मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही कर लेना, इसको नैनोमीटर में दे रखा है, तो नैनोमीटर के लिए मैं 1.2 लिख देता हूँ, 1.227। ठीक है ना, और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 81, यानी 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आंसर आए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। सोल्व करके देख लीजिएगा। आगे है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी जो है ना इंफ्रारेड रीजन में, लाइमन किस में होगी? यूवी में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाल्मर विजिबल में होती, ये भी नहीं हो सकता। पाश्चन बचती है, ये IR में हो जाएगी। ठीक है ना, तो बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 121 वोल्ट। तो सेम है इसमें, ठीक है ना, सेम है इसमें। आप सोल्व करेंगे इसको, तो नैनोमीटर में दे रखा है 1.227, नैनोमीटर को 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो है आप सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 0.112 नैनोमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा, विच स्पेक्ट्रल सीरीज डजंट लाई इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहता है कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम में लाई नहीं करती है, यानी उसकी सीरीज नहीं है स्पेशल, लाइमन बाल्मर पाश्चन। देखिए ये भी सीरीज है जो यूवी रीजन में है, ये बाल्मर विजिबल के लिए, IR के लिए, स्पेशल नाम की कोई सीरीज नहीं होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। तो इसमें अगेन वही आ जाएगा, ठीक है ना, यानी आपके जो है ना 7 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन वही है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 1.227 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 64 इसका स्क्वायर रूट करेंगे 8, तो 8 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ से जस्ट आइडिया भी लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो है ना 1 वोल्ट के लिए होता है, 1.53 नैनोमीटर, और ये भी नहीं हो सकता। बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैंने विदाउट कैलकुलेशन जो है इसको सॉल्व किया है, और ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जब आप 1.227 को इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है ना, तो उस आधार पर मैंने विदाउट कैलकुलेशन इसको किया है। आगे देखिएगा, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कौन सी होती है? बाल्मर होती है। ठीक है ना, बाल्मर, तो विजिबल रीजन में होती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 2 ऑप्शन है नहीं है, तो ये बाल्मर में आ जाएगी। ठीक है ना, अगला देखिए, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10^4 वोल्ट। तो इसमें कहता है कि है ना सेम है इसके अंदर,
12.227, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10^4, 10^4, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 12.27 एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, स्क्वायर रूट करेंगे ना 100 आ जाएगा, तो यानी ये आंसर आ गया 0.01227, और ये किस में होता है, एंगस्ट्रोम में, तो एंगस्ट्रोम में आ जाएगा, तो 0.112227 यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्वेश्चन आ गया, मीन्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना भाई, ठीक है ना, इस यूनिट से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, करके जाना। 10th क्वेश्चन सेम है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना किसके लिए मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो विवग्योर होता है, विवग्योर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें वेवलेंथ इस साइड बढ़ती है, ठीक है ना, यानी वॉयलेट से रेड कलर की तरफ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, रेड कलर को, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम किसके लिए होगा, रेड के लिए, इस साइड क्या बढ़ेगा, इस साइड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इस साइड क्या बढ़ेगा भाई, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा इस साइड, ठीक है, और इस साइड क्या बढ़ती है, इस साइड वेवलेंथ बढ़ती है, तो आप देख लीजिए मिनिमम रेड कलर के लिए होगा, मैक्सिमम वॉयलेट कलर के लिए होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम, तो मैं अभी अभी बताया वॉयलेट के लिए होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉयलेट के लिए क्या होता है ये, मैक्सिमम होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, ये अगेन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम, रिक्वायर्ड इज मिनिमम, तो कौन से कलर के लिए मिनिमम होगा, अभी बताया मैंने, रेड के लिए मिनिमम होगा, वॉयलेट के लिए मैक्सिमम होगा। आगे देखिएगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.8, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो कहता है यहाँ पर वर्क फंक्शन दे रखा है, तो कहता है कौन सी जो है ना वेवलेंथ से आपको क्या है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा, यानी वर्क फंक्शन दे दिया, और वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, एच न्यू नोट के इक्वल, मीन्स न्यू नोट को ओपन करेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच सी अपॉन फाई नोट, क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन फाई नोट हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 गुणा 10^-34, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10^8 भाई, ठीक है, डिवाइड में है वर्क फंक्शन, कितना दे रखा है वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका, आई थिंक एक बार दोबारा देखना पड़ेगा मेरे को, वर्क फंक्शन जो है ना इसका 14th क्वेश्चन है, 1.84 है, 1. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है भाई, आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1.6×10^-19, इससे भी आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब करना पड़ेगा इसको, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है ना, यानी आपका जो है आंसर आ जाएगा बी, तो यहाँ से वेवलेंथ निकालनी थी, एच सी अपॉन फाइव नोट को सोल्व करना था, बस ध्यान ये रखना था, फाइव नोट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको कन्वर्ट करना था जूल के अंदर, इतना ध्यान रखना था। आगे देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद थर्मल न्यूट्रॉन ऑफ मास एम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, कहता है एक थर्मल न्यूट्रॉन है जिसका मास एम है, तो कहता है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर के साथ बतानी है, तो इसका रिलेशन आपको थोड़ा सा जो है रिमाइंड करना पड़ेगा, वेवलेंथ है ना टेम्परेचर का और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच यानी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई 3 mkbT, के बी क्या है यहाँ पर, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये रिलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, व्हेन पार्टिकल ऑफ मास एम के जी एंड चार्ज क्यू कूलम्ब इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्ट वी, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इन मीटर, तो कहता है कि अगर उसका मास एम है, चार्ज क्यू है, और पोटेंशियल कितना दे रखा है, एम वी दे रखा है, सॉरी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ से आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी आ जाएगा यहाँ पर, एच अपॉन 2 mqV। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, देखिए ये ऐसे आया है, इसके अंदर एक रिलेशन होता है लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मास अगर दे रखा है तो 2 m, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एनर्जी लिखेंगे 2 me, तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये इससे रिलेशन आ जाएगा आपका सी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, अगर इसमें डायमेंशन डायमेंशन भी मैच करवा लीजिएगा, ये तो सीधा डी ब्रोगली का रिलेशन दे दिया तो ये तो होगा नहीं, इससे डायमेंशन मैच करवा के देखिएगा, इससे मैच करवा के देखिएगा तो नहीं बैठेंगे फिट, इससे डायमेंशन मैच करवाइएगा फिट बैठ जाएंगे आपके, इक्वल आ जाएगा, तो डायमेंशन से भी कर सकते हैं इसको अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो। अगला क्वेश्चन 17वां देखिए क्या कहता है,
इफ एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट देन द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01। कहता है कि अगर एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो मोमेंटम कितना होगा इस फोटोन का, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ कितनी रखी है 0.01। मोमेंटम पूछा है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी, तो यानी पी की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले आइएगा न्यूमरेटर, ठीक है, एक न्यूमरेटर में एक और डिनोमिनेटर में। तो क्या कहता है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है एच, एच एज इट इज रखना है 0.01, ठीक है ना, इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, और एंगस्ट्रोम में है ये, किसमें है, एंगस्ट्रोम में, यानी इसको लिख देता हूँ 10^-10, 10^-10। अब इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना, अब इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ से मोमेंटम क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, ठीक है ना, 100। उसके बाद नीचे माइनस में था, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10^12। तो एच इंटू 10^12 इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स डी इसका करेक्ट आंसर हो, ठीक है ना, 17 का डी क्या है, करेक्ट आंसर है। सोल्व कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल ईजी था। अ पार्टिकल विच हैज जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो एनर्जी, मोमेंटम मस्ट ट्रेवल विद स्पीड। कहता है एक पार्टिकल है जिसका जीरो रेस्ट मास है, नॉन जीरो एनर्जी और मोमेंटम भी है, तो कहता है उसको किस स्पीड के साथ ट्रैवल करना चाहिए, तो किसकी बात कर रहा है, फोटोन की बात कर रहा है। रेस्ट मास जीरो किसका होता है, फोटोन का होता है, और फोटोन किस स्पीड से चलता है, जिस स्पीड से लाइट चलती है, यानी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँ, एक फ्री की चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक क्लिक करना है आपको, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आप क्लिक करके जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे 19 क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। कहता है एक लाइट है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो कहता है मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाई है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कहता है अगर इंटेंसिटी बढ़ा दे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने से हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इंक्रीजेज। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, जनरली कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो जो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, पहले मान लो 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब 100 कर रहे हैं, तो 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब कितने निकलेंगे, 100 निकलेंगे, तो करंट तो अपने आप बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड इन अ फोटो सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कहता है जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस क्वांटिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, नेचर ऑफ कैथोड के ऊपर, ऑल आर ट्रू। तो देखिए इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के ऊपर, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए एनर्जी का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, एनर्जी का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी। ऑन डबलिंग द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ। कहता है अगर हम मोमेंटम को डबल कर दे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी को डबल कर दो तो यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना घट जाएगा, आधा घट जाएगा, हाफ रह जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो डी इसका आंसर है, ठीक है ना, इनिशियली है वो क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो घटेगा ना, मोमेंटम डबल करोगे तो आधा हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन कहता है लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सोडियम सरफेस फॉर विच द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 5420 एंगस्ट्रॉम वर्क फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन निकालना है, तो फाई नोट क्या होता है, एच सी अपोन लैम्डा नोट, लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 22 का बी, ठीक है ना, ये आपका जो सोल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बी आ जाएगा, थोड़ा सा रफ कॉपी में आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको फॉर्मूले को फॉर्मूला बता दिया, हिंट दे दिया, आप सोल्व कर लीजिएगा। इफ अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो कहता है अगर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो कहता है प्रोटोन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन प्रोटोन, बोथ हैव सेम काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है, दोनों की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 mke, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है भाई डी ब्रोगली मीन्स, यहाँ पर एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इसने क्या कहा, यहाँ पर ये रिलेशन निकालना ही काइनेटिक एनर्जी का, वेवलेंथ दोनों की कॉन्स्टेंट दे दी, तो यानी देखिए यहाँ पर क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का, आप रिवर्स करेंगे थोड़ा सा, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लैम्डा किसके बराबर था, एच अपॉन
2 MKE, ठीक है ना, पहले स्क्वायर स्क्वायर लेना पड़ेगा 2 MKE का अंडर रूट। तो इस साइड स्क्वायर लेंगे, इस साइड स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अब कर लीजिएगा इसको सोल्व, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है एच का स्क्वायर 2 m × λ² तो अब कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी सेम है, टू भी कांस्टेंट होता है, तो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है ना। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो किसका मास ज्यादा है, प्रोटोन का, तो प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन प्रोटोन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी प्रोटोन की, यानी प्रोटोन की कम हो जाएगी, एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, करंट इन द फोटो सेल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए करंट का और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं बढ़ेगी। फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, फोटो करंट बढ़ेगा इंटेंसिटी को बढ़ाओगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसका रिलेशन नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 का आंसर जो है आपका सी आ जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सही है। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, तो देखिए इसमें है ना जो ए ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर ए दे रखा है इसमें बुक में, बट ए नहीं हो सकता है। देखिए अप्लाइड जो वोल्टेज है ना इस पे डिपेंड तो करेगा, बट आपने किस टर्मिनल से कनेक्ट किया वो देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, सी तो है ही है इसमें, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो डिपेंड करता है हमेशा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। आगे देखिएगा, इंक्रीज होता है ना वो। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.2 मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, तो वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ निकालनी है, अगेन वही फॉर्मूला है, फाई नोट दे रखा है, एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा को इस साइड दे जाइएगा, वर्क फंक्शन को इस साइड, और वर्क फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है जूल में, सेम न्यूमेरिकल आगे भी। इफ द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आर कंसिडर टू बी हैविंग सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव सेम मोमेंटम वेलोसिटी एनर्जी, कहता है अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो उनमें क्या कौन कौन सी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, मोमेंटम वेलोसिटी एनर्जी है सभी। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, तो इसमें क्या कहता है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, ठीक है, तो वेवलेंथ सेम है, प्लैंक्स तो अपने आप कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो कौन सी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो जाएगा दोनों का। तो ए इसका करेक्ट है आंसर है 27 का। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है 7th चैप्टर में एमसीक्यू जो दीपक में प्रोवाइड कर रखे थे, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिहाज से मैंने इसको लिया है, ठीक है ना। तो इसमें अभी तक जो है आपको क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपको जो है एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाएंगे, वीएसए भी प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम अपने चैनल पर करवाएंगे आपको। तो हमारे चैनल को जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी जो है सपोर्ट मिलती रहे और आपके लिए हम जो है नई नई वीडियो हर रोज अपलोड करते रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।